फैलाने वाले जनाब जावेद अहमद कुरैशी जी जो आज हमारे बीच हैं, तो काफी समय से इनके जो कार्यों को हम लोग देख रहे थे। संघ के लोगों ने हमसे कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने, कि जावेद अहमद कुरैशी देश का एक सच्चा बेटा है, ये भारत माता का लाल है, इसका समर्थन करना चाहिए। जावेद अहमद कुरैशी जैसे व्यक्ति किसी नाम के मोहताज नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज मोदी जी और अमित शाह जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं जावेद अहमद कुरैशी जी। तो मैं आज जावेद अहमद कुरैशी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए मोदी जी का जो मिशन है, मोदी शाह मिशन, उसका प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर यूटी का मैं तमाम अपनी कमेटी और संघ के आशीर्वाद से इन्हें मनोनीत करता हूं और इनको मैं इनका सम्मानित पत्र, नियुक्ति पत्र प्रदान करता हूं। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि जावेद अहमद कुरैशी देश का नाम पूरे विश्व में उज्जवल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये सिपाही जो कहता है मैं चौकीदार हूं, हाँ ये चौकीदार है, मोदी जी का चौकीदार है, हम सब चौकीदार हैं, ये चौकीदारी कर रहा है जम्मू कश्मीर यूटी की। पाकिस्तान के नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने वाला भारत माँ का सच्चा लाल जावेद अहमद कुरैशी। तो मैं समझ सकता हूं आने वाले विधानसभा चुनाव में जावेद अहमद कुरैशी की मेहनत रंग लेके आएगी और ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा, मोदी जी की नीतियों को, अमित शाह जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मोदी शाह मिशन सिर्फ पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी शाह की जो जन हित के अंदर जो उनकी जो नीति है, उनके जो संस्कार हैं, उनको आगे फैलाने का काम मोदी शाह मिशन का एक एक बच्चा कर रहा है। आज उसी काम को जावेद अहमद कुरैशी जी करेंगे। हमारी बेटी आदिति शर्मा और मैं चेयरमैन आज इनको सर्वसम्मति से मनोनीत करता हूं जम्मू कश्मीर यूटी का प्रदेश अध्यक्ष। आज मोदी शाह मिशन को आगे बढ़ाने का जिम्मा इनके कांधों पे दिया जा रहा है। वैसे तो पहले भी पार्टी संगठन और हमारे देश का नाम रोशन करते चले आए हैं, आज बड़ा खुशी का मौका है कि जावेद अहमद कुरैशी ने मोदी शाह मिशन जम्मू कश्मीर की बागडोर अपने कंधे पे लिए। जय हिंद, जय श्री राम। और मैं चाहूंगा कि इस मौके पर कुरैशी जी कुछ कहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने साथ काम करने का। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने मेरे कांधों पे डाली। इंशाल्लाहुर्रहमान मैं बिल्कुल अपने दिल से, मेहनत से काम करूंगा और देश के लिए काम करूंगा। जब तक मेरे जिस्म में रूह है तब तक मैं अपने भारत को, भारत का झंडा हर जगह पे गाड़ता रहूंगा और अपने भारत की हिफाजत भी करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सभी आए जम्मू कश्मीर के पत्रकारों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि देश का नाम रोशन करते रहें। आप सब पत्रकार इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आज मैं देख रहा हूं अन्य जगह पत्रकारों का बड़ा शोषण हो रहा है, तो हम हमेशा, मैं भी और जावेद कुरैशी भी, तमाम जम्मू कश्मीर के पत्रकारों को और देश के पत्रकारों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम।